दोस्तों इस वीडियो में जिस शेयर के बारे में बात करने वाले हैं वहां पर पैसा कमाने का बहुत ही शानदार मौका आपको मिल रहा है। जी हां दोस्तों, क्योंकि कंपनी की तरफ से यहां पर बोनस अनाउंस किया गया है और ये बोनस भी आप देख सकते हैं 1:1 के रेशो का बोनस यहां पर कंपनी की तरफ से अनाउंस किया गया है। यानी कि देख सकते हैं आप, कंपनी के एक शेयर के बदले आपको फ्री में यहां पर कंपनी का एक शेयर दिया जा रहा है, जिसकी एक्स डेट की अगर बात करें तो 18 अगस्त 2021 यानी कि परसों इसकी लास्ट डेट होने वाली है पोजीशंस बनाने के लिए। यानी कि सिर्फ कल का और परसों का ही आपके पास समय है यदि आप इस शेयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो। साथ ही साथ पिछले मैक्सिमम रिटर्न्स के अगर हम यहां पर बात करें तो लगभग 1000% के रिटर्न्स इस शेयर्स ने अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दिए हैं। और सिर्फ यहां पर आप बोनस को देखकर ही नहीं बल्कि यहां पर कंपनी ऑलमोस्ट यहां पर डेब्ट फ्री है। और इसी के साथ में कंपनी की अगर शेयर होल्डिंग्स पैटर्न को भी चेक करेंगे तो काफ़ी शानदार शेयर होल्डिंग्स पैटर्न यहां पर निकल कर आ रही है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं इस कंपनी के बारे में, जो कंपनी यहां पर बोनस अपने शेयर होल्डर्स को दे रही है। साथ ही साथ कंपनी ने 7.60 रुपये का डिविडेंड भी रिसेंटली यहां पर अपने शेयर होल्डर्स के लिए अनाउंस किया था, जिसमें स्पेशल डिविडेंड भी 4 रुपये का रखा था। यानी कि आप देख सकते हैं कंपनी डिविडेंड तो दे ही रही है, साथ ही साथ बोनस शेयर भी दे रही है और रिटर्न्स के मामले में भी कंपनी बहुत ही शानदार है। सबसे पहले मैं कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन आपको बता देना चाहता हूं, तो 13,532 करोड़ रुपए का कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है और पिछले एक साल के अंदर शेयर्स ने लगभग 3 गुना रिटर्न्स अपने शेयर होल्डर्स को बनाकर दिए हैं। इसी के साथ डिविडेंड यील्ड परसेंटेज की भी बात करें तो 1.10% का डिविडेंड यील्ड परसेंटेज निकल कर आ रहा है। यानी कि यह कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को टाइम टू टाइम डिविडेंड भी प्रोवाइड करती है। अगर कंपनी की स्ट्रेंथ की बात करें तो जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहली चीज ही आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी कि कंपनी अपने डेब्ट को कंटिन्यूसली बेसिस पर रिड्यूस कर रही है। और यहां पर बात करें तो ऑलमोस्ट ये कंपनी आपको डेब्ट फ्री देखने को मिल रही है। यानी कि अगर मैं आपको एक नंबर्स में फिगर्स बताऊं तो आप मान सकते हैं कि मार्च 2020 में कंपनी के ऊपर 1200 करोड़ रुपए का कर्ज था, जो कि मार्च 2021 में घटकर सिर्फ 22 करोड़ रुपए का रह गया है। यानी कि ऑलमोस्ट कंपनी ने लगभग 1180 करोड़ रुपए का कर्ज यहां पर रिड्यूस किया है। तो आप खुद ही यहां पर अंदाजा लगा सकते हैं कि कंपनी कितनी अच्छी परफॉर्मेंस यहां पर दे रही है। साथ ही साथ कंपनी का जो डिविडेंड पे आउट रेशो है वो भी काफी हेल्दी है, लगभग 89% का डिविडेंड पे आउट रेशो यहां से निकलकर आ रहा है। कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो क्वार्टरली रिजल्ट के अंदर भी यहां पर हमें शानदार ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखने को मिल रही है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर थोड़ी सी सेल्स इंपैक्ट हुई है, लेकिन अल्टीमेटली पैंडेमिक का इंपैक्ट यहां पर हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन इन सब के बावजूद कंपनी ने काफ़ी शानदार ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पर जनरेट किया है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो क्वार्टर वन के अंदर कंपनी ने 96 करोड़ यानी कि 96 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट भी जनरेट किया है, जो कि यहाँ पर काफ़ी शानदार है। अब बैलेंस शीट की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि बोरोइंग्स की तरफ अगर आप नज़र मारेंगे तो जो मार्च 2020 में कंपनी की 1200 करोड़ रुपए का कर्ज था वो मार्च 2021 में घटकर सिर्फ 22 करोड़ रुपए का रह गया है। साथ ही साथ कंपनी के रिजर्व की बात करें तो मार्च 2020 में कंपनी के पास 1724 करोड़ रुपये के रिजर्व थे, जो कि यहाँ पर मार्च 2021 में बढ़कर 1990 करोड़ रुपये कर पहुँच गए हैं। यानी कि कंपनी जो अपना डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड कर रही है, जिसमें स्पेशल डिविडेंड्स भी आपको देखने को मिल रहा है, इन सबको प्रोवाइड करने के बावजूद भी कंपनी के पास काफ़ी हेल्दी रिजर्व हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो अल्टीमेटली आपको एक ऐसे ही शेयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जहाँ पर कंपनी का जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो काफ़ी स्ट्रांग है। शेयर होल्डिंग्स पैटर्न की बात करें तो FII इसके अंदर काफ़ी इंटरेस्टेड हमें देखने को मिल रहे हैं, लगभग 41% का स्टेक FII के पास और DII के पास लगभग 16% का स्टेक यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। पब्लिक इंस्टीट्यूशन की भी बात करें तो 43% के अप्रोक्स पब्लिक इंस्टीट्यूशन भी हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। चलिए मैं बिना किसी देरी के अब आपको कंपनी का नाम भी यहाँ पर बता देता हूँ। हम बात कर रहे हैं रेडिंगटन इंडिया लिमिटेड के बारे में। जी हाँ दोस्तों, 1993 की कंपनी एस्टेब्लिश है और सबसे अगर पहली बात करी जाए कि यहाँ पर कंपनी का प्राइमरी कोर बिजनेस क्या है तो आप देख सकते हैं रेडिंगटन इंडिया लिमिटेड हैव इवॉल्व फ्रॉम वेरी हम्बल बिगनिंग्स ऑफ वन ब्रांड वन प्रोडक्ट कैटेगरी इंटू अ मेजर प्लेयर इन डिस्ट्रीब्यूशन एंड सप्लाई चेन सॉल्यूशन विद 235+ इंटरनेशनल ब्रांड्स इन IT एंड मोबिलिटी स्पेसेस सर्विंग 37 इवर्जिंग मार्केट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंपनी का जो बिजनेस है वो भी बहुत यहाँ पर फ्यूचरिस्टिक है। और साथ ही साथ अगर हम मैक्सिमम रिटर्न्स की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि लगभग कंपनी ने 1000% के रिटर्न्स अपने शेयर होल्डर्स को पिछले
जब से कंपनी लिस्टेड हुई है तब से लेकर अभी तक बनाकर दिए हैं। साथ ही साथ लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी हमें इस शेयर के अंदर लगभग 5.5% की तेजी देखने को मिल चुकी है। रेडिंगटन इंडिया लिमिटेड के अगर वॉल्यूम बेस्ड काम की भी बात करें तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर हमें इसके अंदर वॉल्यूम बेस्ड काम भी काफ़ी शानदार देखने को मिला। और सबसे बड़ी बात है कि डिलीरेबल बेस्ड काम की तरफ अगर आप नज़र मारेंगे तो लगभग 65% क्वांटिटी डिलीरेबल बेस पर उठाई गई है। तो यदि आप भी रेडिंगटन इंडिया लिमिटेड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कल और परसों का आपके पास लास्ट मौका है इस शेयर के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का, अगर आप बोनस शेयर के लिए एलिजिबल होना चाहते हैं तो। चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड।